अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम चार चीज़ें बनाएंगे। एक तो आप लोगों की फरमाइश पे चूल्हे पे केक कैसे बनाते हैं स्टीमर में वो सिखाएंगे, और एक बड़े टिन में नहीं बनाएंगे, जल्दी से हो जाएँ ताकि मैं इसमें रैमेकिन्स बनाऊँगी। ये साइज़ जो रैमेकिन्स की है थोड़े नॉर्मल रैमेकिन से थोड़ी बड़ी है, ठीक है। इसको हम फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और फिर हम स्टीमर में रखेंगे। जब भी स्टीमर में हम कुछ भी बनाएं उससे पहले मेक श्योर कि आप पानी गर्म करने पहले से रख लें। तो ये मैंने पहले पानी गर्म करने रख दिया है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि अगर स्टीमर नहीं हो तो बड़ी सी पतीली में पानी गर्म करके, जो हम वायर रैक होता है ना हमारे पास छोटा वायर रैक, वो रख दीजिए, उसके ऊपर पतीली रख दीजिएगा या रैमेकिन्स रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्लेन स्टीम केक। अब हम आज दूसरी रेसिपी क्या है तो ये थ्री मगर बनेगा एक ही चीज़। पहले हम ग्रिल करेंगे थोड़ा मसाला लगा के पनीर को, ठीक है। ये देखें पनीर, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त वाला बनाइएगा, सॉफ्ट नहीं बनाइएगा, सख्त पनीर बनाइएगा, पानी पूरा निकल गया हो उसका, ठीक है। और फिर हम एक हल्दी और ये मसालों के साथ कोकोनट मिल्क की एक मज़ेदार सी कड़ी बनाएंगे जिसका नाम है मोइली। टर्मरिक यानी हल्दी की मोइली बनाएंगे हम, वो हम सर्व करेंगे चावल के साथ जो हम बना रहे हैं, चुकंदर के चावल, बीट रूट राइस। सो जो कड़ी होगी उसके बीच में हम एक बॉल सा बना के, एक बोल के अंदर भर के चावल को, बीट रूट वाले चावल को वो हम रखेंगे। तो लाल चावल होंगे और येलो कड़ी होगी और उसके ऊपर हम पनीर का टुकड़ा रखेंगे, ठीक है। समझ आ गई। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ भी होना चाहिए। हर रोज़ हम गोश्त नहीं, चिकन नहीं खा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग अलग होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें आप भी इसी तरह बनाएं, लेकिन प्लेन कड़ी तो आप नहीं खाएंगे ना, तो चुकंदर के चावल के साथ कुछ होना चाहिए। सो अगर प्रोटीन नहीं है, गोश्त चिकन नहीं है, तो हम पनीर ग्रिल कर देंगे और उसके साथ हम ये कड़ी सर्व करेंगे। ये हम बाद में बनाएंगे, पहले लेट्स कम टू आ केक। स्टीम्ड केक है। 5 अदद अंडे मैंने यहाँ रखे हैं तोड़ के। 140 ग्राम इसमें ब्राउन शुगर जाएगी, 140 ग्राम इसमें सफ़ेद चीनी जाएगी, थोड़ा सा नमक है, वेनिला एसेंस है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर है, और मैं इसमें डालूंगी ये क्या है, ये इवेपोरेटेड मिल्क है 120 ग्राम। टिन में से जो निकलता है वो टिन जो होता है वो 300 या 400 ग्राम का होता है, पूरा नहीं इस्तेमाल करिएगा, तोल के लीजिएगा, ठीक है। और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल इन द बैटर आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। सब कुछ हमें बीट करना है, मिक्स करना है। स्टीमर बहुत ज़रूरी है कि ये गर्म हो, उबलता हुआ, खोलता हुआ, नीचे पानी हो, तब चीज़ें रखिएगा स्टीम होने। कैसे पता चलेगा, इस पे भाप आ गई है, ये भाप बन रही है यहाँ। और अगर किसी ने स्टीमर कभी नहीं देखा है तो उनको भी दिखा देते हैं कि स्टीमर एक्चुअली कैसे होता है। अंदर इस तरह का होल वाला वो होता है, एक जाली टाइप होती है, ठीक है। उसके ये देखें इस तरह का होता है, पानी है इसमें, ठीक है। और फिर ये है जाली, ऐसे बैठ जाती है, नहीं हो तो अंदर एक जाली रख दीजिएगा। और मेक श्योर करिएगा कि पानी उस पर लगे ना, इतना पानी नहीं भर दीजिएगा कि पूरा बाहर आ जाए। और दूसरी बात बहुत ज़रूरी होती है, जब भी कोई चीज़ स्टीम करते हैं, बेशक मछली क्यों ना हो या फिर इस तरह के केक क्यों ना हो, स्टीमर का पानी फिनिश नहीं होना चाहिए। आधे रास्ते पे मैं उठा के देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि पानी ख़त्म हो गया है तो फिर वो भाप कैसे बनेगी ना उसकी, तो उसके लिए हम और पानी डालेंगे, लेकिन साइड में से डालेंगे, केक के ऊपर नहीं गिरे। समझ आ गई। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अंडे 5 अदद, बीटर इस्तेमाल कर लीजिए और खूब अच्छी तरह इसको बीट करिए। खूब अच्छी तरह जब बीट हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर और चीनी। और जो ये ड्राई चीज़ें हैं, जैसे कि मैदे के अंदर हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक साथ साथ डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नमक के साथ नमक रख देते हैं यहाँ ताकि मेरे बोल्स हट जाएँ। सो अंडों के साथ वेनिला एसेंस भी और चीनी, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, और ये है इवेपोरेटेड मिल्क।
ओके सो बट वील डू इज वील टेक अ लिटिल ब्रेक. ब्रेक से आएंगे तो फिर ये अंडों को और मजीद अच्छी तरह बीट करेंगे. वाइट चीनी डाल चुके हैं उसमें ब्राउन चीनी डालेंगे, इवेपोरेटेड मिल्क डालेंगे, मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर हम रैमेकिंस में इसको रखेंगे जिसको मैं ग्रीस कर देती हूँ फिलिप पेरी ऑलिव ऑयल के साथ और उसके ऊपर हम एक कपड़ा रख देंगे ताकि भाप जो है वो डायरेक्ट केक में ना जाए. आपके सामने करेंगे सब कुछ, डोंट वरी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज. जी वेलकम बैक. अच्छी तरह जब 5 अंडे और 140 ग्राम सफ़ेद चीनी बीट हो जाए तो 140 ग्राम ही ब्राउन चीनी डालिएगा थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है. फिर ये है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक. इसको फोल्ड करेंगे स्पैचुला से और हम इसमें डाल देंगे ये इवेपोरेटेड मिल्क 120 ग्राम. हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करिए. एक टिन में बनाना है, एक टिन में बनाइए, चार रैमेकिन से बनाना है मेरी तरह, उस तरह करिए. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एनी वे यू लाइक. पनीर हमारा गोल था ना, तो मैंने उसको इस तरह स्क्वायर में काट लिया है, ये देखा. और ये जो है इनके साइड, इनको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है. इसको भी आप ग्रिल करके साइड में रख सकते हैं. सो वी डू दिस नाउ, पहले रैमेकिंस में मैं डाल दूं ताकि ये हो जाए. इसी बैटर को ओवन में बेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूल्हे वाला केक है, प्लेन सिंपल बिल्कुल. अगर इसको चॉकलेट करना है तो 2 चमचे भर के कोको पाउडर डाल दीजिएगा, दैट्स इट, सो सिंपल. अच्छा, अब फिलिप पेरी ऑलिव ऑयल मैंने लिया था, उसको आपने थोड़ा सा डालना है और ग्रीस कर देना है सारे रैमेकिंस को, ठीक है. ले लीजिएगा ब्रश साइडों पे भी क्योंकि केक राइज होता है. और फिर जल्दी से हम बैटर को रख देंगे. बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एक दफ़ा आपने अगर डाल दिया हो, ज़्यादा टाइम रखिएगा नहीं, काउंटर पे छोड़िएगा नहीं, ठीक है. यहाँ ले आती हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा. और देन जस्ट पुट दिस टू स्टीम. ऊपर हम कपड़ा रख देंगे. बड़ा अगर गोल चम्मच है तो उससे पॉरिंग आसान हो जाएगा मेरे लिए. जगह रखिएगा इसको राइज होने के लिए क्योंकि काफ़ी सारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा गया है ना, तो राइज भी तो होगा ना. एकदम ऊपर तक नहीं भरिएगा, 3/4 जितना ही भरिएगा. छोटे टिन हो कि बड़े टिन हो कि रैमेकिंस हो कि जो भी हो, कोई भी चीज़ पूरा फुल नहीं भरते हैं. कपकेक्स भी इसी तरह आप बना सकते हैं अगर आपको एक छोटा टिन मिल जाए, या आप रैमेकिंस में ही फिर रख दीजिए, छोटे रैमेकिंस में कपकेक के केसेस के अंदर भर के इसको साफ़ करके फिर डालेंगे स्टीम करने. इस केक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसलिए कि इसमें हमने इवेपोरेटेड मिल्क डाला है. को नहीं डालना है, रेगुलर दूध डालना है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ इसका क्रीमी सा टेस्ट आएगा. ब्राउन शुगर से भी बहुत फर्क पड़ेगा, देखिएगा बना के. ओके, थोड़ा सा जिसमें मुझे कम लग रहा है भर दूं, वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम किसी एक और रैमेकिन में डाल देंगे. चलिए नाउ क्विकली हाथ बचा के, बिकॉज भाप से भी हाथ जल सकते हैं, ये हम बेक करने रख देते हैं. बट लेट मी जस्ट क्लीन द साइड्स पहले.
और हमारे कॉलर्स कहाँ हैं उनको भी ज़रा जगाइए। अच्छा, वाकई कॉल आ जाती है जब भी मैं याद करती हूँ। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कौन बोल रहे हैं? जी मैं माजिद बात कर रहा हूँ अटक से। जी फरमाइए जी, आपकी शो बहुत अच्छा जा रहा है, आपके जो आज टीम केक बना रही है ना, मैं जरूर ट्राई करूँगा। जरूर, आप लोगों की फरमाइश पे ही बना रही हूँ ये सारी चीजें, ठीक है जी जी। और मैंने आपसे दो फरमाइशें करनी थी। क्या? एक तो आप बॉम्बे बेकरी वाला केक सिखा दें। कौन सा? वो बॉम्बे बेकरी वाला। कौन सा? बॉम्बे बेकरी वाला जो केक नहीं है, हैदराबाद। अच्छा, वो कॉफी वाला। अच्छा चलो, ओके डन। कपड़ा और आप आइसक्रीम भी कब करेंगी? आइसक्रीम भी कहाँ? आइसक्रीम नहीं, वो आप वीक करती है ना। हाँ क्या करूँ, करेंगे करेंगे, सोचेंगे करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। व्हाट आई विल डू इज, इसकी आँच मैं अब थोड़ी कम कर देती हूँ, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह बंद करके कीप इट ऑन टॉप ताकि भाप नहीं जाए इस पे डायरेक्टली, ठीक है। और नीचे बी केयरफुल, कपड़ा लगे ना। हाँ, जस्ट पुट इट लाइक दिस। चलिए अब इसको हम स्टीम होने देते हैं, भूल जाते हैं इसको हम थोड़ी देर के लिए। नाउ कम्स द पनीर वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाएंगे और हम पनीर को मैरिनेशन में क्या क्या लगाना है वो करते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है कोई बात नहीं, मेरी तरह एक पैन में कर दीजिए। ग्रिल पैन पे सिर्फ मार्क्स आएंगे। बाज़ वक्त ग्रिल पैन अच्छे नहीं होते हैं तो चीज़ें उस पर चिपक जाती हैं, जब आप लोग पैनिक करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए मैं फ्राइंग पैन में कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें लगाना ज़रूरी है, प्लेन ग्रिल पनीर अच्छा नहीं लगेगा। सो व्हाट वी विल डू इज, हम कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जरना? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, ये आज हमें स्टीम केक सिखा रही हैं। चले ना, सीख लीजिएगा, बनाइएगा भी जरूर। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी आपकी तरह की, मैं बहुत इजी और आसान मैं करती रहती हूँ ट्राई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लेमन जूस, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और नमक। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा नमक। पनीर नमकीन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। हो गया? अच्छा, अब क्या करेंगे देखें, मैंने चीज़ जो लिया हुआ है वो मैंने दो चीज़ लिए हुए थे। थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, हल्दी जाएगी, नमक और रेड चिली पाउडर। ये हुआ तो तेल यहाँ से ले लेते हैं। मिक्स कर दीजिए हर चीज़ को। इससे कर देते हैं और पनीर को इसमें लगाइए। सो अगर आपको लगे कि तेल कम है, सो पुट लिटिल बिट मोर ऑलिव ऑयल। अब आप इसको पनीर के पीसेस को इस तरह रखिए और आप इसको चूल्हे पे रख दीजिए। ये बहुत गर्म हो गया है, सो अभी इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। ये दोनों पनीर को हम इसमें, आप थोड़ी देर रखेंगे तो इसमें ये जज्ब हो जाएगा मसाला थोड़ा सा, और इसको आप ग्रिल करने रख दीजिए। ये हो जाएगा, इसको हम साइड में निकाल के रख देंगे। फिर हम चावल को स्टर फ्राई करेंगे, बॉयल्ड चावल होने चाहिए और चुकंदर भी जो है यानी कि बीटरूट बॉयल किया हुआ हो, और इस तरह चॉप अप कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, किस चीज़ का? ये पत्ते, ये कौन से पत्ते हैं? ये हैं कैफिर लाइम लीव्स, नींबू वाले पत्ते जो हैं, जो हम थाई खानों में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मिलते हैं, और मैं तो ला के बहुत सारे फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर आप उसको निकालें और इस्तेमाल करें जैसे भी। नाउ मेक श्योर कि अच्छी तरह मसाला लगा हुआ हो और आप पनीर को
ग्रिल करने रख दीजिए। ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, मैं ले लेती हूँ ब्रेक। तब तक पनीर दोनों तरफ से ग्रिल हो जाएगा तो उसको निकाल देंगे। मेक श्योर के बहुत ज़्यादा वो टूट नहीं जाए प्लीज़, तो ज़्यादा हिलाइएगा जुलाइएगा नहीं इसको, और इसका मसाला फेंकिएगा नहीं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, निकाल के रख देते हैं प्लेट में। और आएंगे आप तो आपके सामने में चुकंदर वाले चावल बनाऊंगी और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हम डालेंगे। अब हम स्टर फ्राई कर रहे हैं और चुकंदर चावल बना रहे हैं, ठीक है। और जो पनीर था वो देखें, मैंने ग्रिल करके यहाँ रख दिया है, साइड्स भी कर दिए थे और ये भी कर दिया था। और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करिएगा वरना टूट जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह रेक्टेंगल या स्क्वायर में आप मैंने काटा था, बिकॉज मैं डिश में ऐसे सर्व करूँगी। आप घर में बना रहे हो तो आप बहुत सारे क्यूब्स भी कर सकते हैं। ग्रिल पैन में करना है और ग्रिल पैन के मार्क्स चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले, और मैंने कहा था ना आपको हाफ वे थ्रू हम ये खोल के देखेंगे इफ़ वी हैव इनफ वाटर और नॉट। पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए स्टीमर में। चलिए, जैसे ही यहाँ तेल गर्म हो जाएगा, लहसुन है, प्याज है, राई दाना है, मस्टर्ड सीड्स बहुत कम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वरना खाना कड़वा हो जाता है, लेमन जूस जाएगा, पके हुए बॉयल्ड चावल हैं, हरा धनिया जाएगा, चुकंदर है और थोड़ा सा नमक है, दैट्स इट। इसको हम स्टर फ्राई कर देंगे और फिर ये चुकंदर चावल जाएंगे, फिर इसका कढ़ी बनेगी। सो ये तीन चीज़ें हैं जो हम आज सर्व कर रहे हैं, बीटरूट राइस, टर्मरिक मोइली, मोइली इज़ अ सॉस, और वो जो है ग्रिल पनीर जो ऊपर जाएगा। और इस तरह के इंडिविजुअल प्लेट्स में हम रखेंगे, थोड़ी सी हम ग्रेवी रखेंगे, उसमें बीच में हम एक बॉल सा बना देंगे इन चावलों का। एक बोल लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे, चावलों को दबा के भरेंगे और ओवरटर्न कर देंगे, तो बीच में एक बॉल आ जाएगा चावल का, उसके ऊपर पनीर। जैसे ही ये हो जाए तेल थोड़ा सा गरम, तो आप इसमें डालिए राई दाना और थोड़ा सा कड़कड़ाने दीजिए। फिर हम प्याज डालेंगे, और प्याज चॉप की हुई है एक छोटी, इसको थोड़ा सा होने दीजिए। ये पत्ते नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कराची में तो जो रहते हैं लोग, यहाँ तो सब्ज़ी वाले के पास कैफिर लाइम लीव्स मिल जाते हैं, और इसको आप चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़र में ला के बड़े सी ठेली रख दीजिए और जब भी चाहें निकालें और इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रहते हैं, अरसे तक ख़राब नहीं होते हैं। आप चाहें तो साबुत डालिए, चाहें तो आप इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिए। बहुत ज़्यादा थाई खाना आपको पसंद है तो थाई खानों में ये डलता है, बहुत अच्छा इसका एक बहुत रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आएगा। तो घर पे लाके फ्रीज़र में रख दीजिए। आज आप हमारे शो पे देख सकते हैं ऑल दीज लवली थिंग्स फ्रॉम लॉक एंड लॉक। अवन ग्लासवेयर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर ऑल्सो, इसमें पका भी सकते हैं। और ये फूड कंटेनर्स हैं जिसमें स्टीम होल्ड्स हैं, जिसमें से कुछ आप पका रहे हो तो माइक्रोवेव में तो वो बाहर स्टीम भी निकल सकती है। बॉटल्स आर वेरी हैंडी टू स्टोर ये चीज़ें, कुछ सॉसेस भर सकते हैं। इसके अलावा एक माइक्रोफाइबर इनका प्रीमियम डिश क्लॉथ है, ये बर्तनों को आप साफ कर सकते हैं धोने के बाद। और उसके अलावा ये तो बर्तन मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, बोरोसिलिकेट के जो हैं अवन ग्लासवेयर जो हैं, अवन में भी जाते हैं और माइक्रोवेव में भी जाते हैं, ठीक है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और कुछ बात पूछना चाहते हैं। प्याज हल्की सी सुनहरी हो जाएगी, फिर मैं इसमें लहसुन, कैफिर लाइम लीव्स और ये सब कुछ डाल के झटपट मिक्स कर दूंगी, एंड देन वी गॉट इनफ टाइम टू मेक आर कड़ी। कड़ी आराम से झटपट हो जाएगी। कड़ी में भी हम डालेंगे यही वाले कैफिर लाइम लीव्स और ये बहुत मज़े के टेस्टी होते हैं, ठीक है। लहसुन चॉप किया हुआ, ये पत्ते, चुकंदर, ये दो बड़े चुकंदर थे, ओके। बॉईल कर दीजिएगा, बिल्कुल नरम करिएगा और फिर चॉप अप कर दीजिएगा, कच्चा नहीं रखिएगा इसको ज़रा भी। थोड़ा सा हरा धनिया,
नमक, चावल बॉईल करते वक्त नमक डाला था सो कम नमक, और लेमन जूस एंड फिर चावल, दैट्स इट। फुल बॉईल चावल होने चाहिए, फुल बॉईल बीटरूट होना चाहिए, और ये मिक्स कर दीजिए। लवली कलर आएगा, चावल आपके बिल्कुल चुकंदर वाले रंग के हो जाएंगे। ट्राई करिएगा, चुकंदर गोश्त तो सभी खा रहे हैं, ज़रा दूसरा भी कुछ खाइए, ठीक है। ये लीजिए, हो गए ना मज़ेदार से, और खुशबू बहुत आला आ रही है इसमें से ऑलरेडी ऑफ द पत्ता, ये जो मैंने कैफिर लाइम लीफ डाला हुआ है। मैं सोच रही हूँ कड़ी में इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके डालूँ। ये देखें कितने अच्छा रंग आ गया है। क्या था इसमें? तेल, फिलोपेबेरी ऑलिव ऑयल, राई दाना, प्याज, लहसुन, नींबू का रस, थोड़ा हरा धनिया, कैफिर लाइम लीव्स, चुकंदर और चावल और नमक। दैट्स इट, डन। चूल्हा बंद। ओके, अब क्या करेंगे? ब्रेक ले रहे हैं क्या? ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा क्लीन अप करते हैं और फिर हम कड़ी पे आ जाते हैं। उसमें भी बहुत ही आसान है। तेल गरम करेंगे, राई दाना डालेंगे, अदरक लहसुन इसमें जाएगा, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, यही कैफिर लाइम लीव्स हैं, हल्दी है, टमाटर है और कोकोनट मिल्क पाउडर है, ठीक है, जिसको हम पानी में घोलेंगे। कैन भी मिलता है कोकोनट मिल्क का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसको पकाएंगे, फिर हम जब गाढ़ी सी कड़ी हो जाएगी तो इसमें निकाल देंगे। फिर चावलों को हम भरेंगे, एक बोल ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें तेल लगा दीजिएगा, उसमें भर के चावल दबा के भरिएगा, फिर ओवरटर्न कर दीजिएगा। ओवरटर्न करेंगे तो इस जो भी बोल होगा उसके शेप का चावल हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट एंड टेक अ ब्रेक सून। वेलकम बैक। देखें ये इसमें ना हम इसको ऐसे करके अभी उल्टा कर देते हैं और मैं अपने पनीर पे चलूं, क्योंकि मुझे पनीर के ऊपर ना ये ग्रिल मार्क्स चाहिए थे, तो मुझे ये हो रहा था कि मुझे आज पनीर को ग्रिल करना ही है। सो मैंने पनीर को ग्रिल पैन में रख दिया था, लेकिन बी वेरी केयरफुल के टूट नहीं जाए, ठीक है। सो दिस इज़ डन, इसको हम निकाल देते हैं। ग्रिल मार्क्स के साथ बेहतरीन लगे। ये भी इसी तरह, चलो जी। अब हम इसको हम बाद में उठाएंगे, इसलिए कि साइड में हम कड़ी डालेंगे जो अभी बना रहे हैं। सो अगेन फिलोपेबेरी ऑलिव ऑयल। अच्छा, इसको मैंने ब्रेक में देखा था उठा के, पानी बहुत कम हो गया था तो हमने और मज़ीद पानी डाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाप बन रही है, अभी हो रहा है, इतना ऊंचा फूला हुआ है केक, और दूसरा भी केक हमने बेक करने भी रख दिया है, बिकॉज जगह नहीं थी इसमें। हमने सोचा कि ये भी हम कर ही लेते हैं, ज़ाया तो कुछ नहीं करेंगे ना। अगेन सम फिलोपेबेरी ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे राई दाना, प्याज, और ये जो है ना कैफिर लाइम लीव्स, ये आप तोड़ के भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा टेस्ट, खुशबू बहुत आला इसकी आती है, ठीक है, तोड़ के भी डाल सकते हैं। चलिए ये गर्म हो गया तो राई दाना, फिर प्याज, अदरक है, लहसुन है, एक में ही कर लेते हैं। और हाँ, इसमें हम पानी डाल देते हैं कोकोनट मिल्क में, और थोड़ा सा कांटे से या विस से आप इसको चलाइए। कॉलर हैं, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जरनक जी कैसी हैं आप? जरनक जी ठीक हैं, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है।
जी बस बड़ी देर से कॉल आपसे बात करने के लिए कर रही थी, कोशिश कॉल मिल जाए, आपसे बात हो जाए। बहुत शुक्रिया, फरमाइए। आज बस तारीफ करनी है आपकी कुकिंग की, बहुत अच्छी कुकिंग होती है आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज जो केक आप स्टीम पे कर रही हैं, कोशिश करूंगी मैं भी बनाने की। करिएगा जरूर। जी जी, और कुछ? हाँ जी बस ठीक है, फरमाइशें तो सभी पूरी हो जाती हैं आपके प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल गरम किया, थोड़ा सा राई दाना डाला, प्याज, अब अदरक और लहसुन चॉप करके ये चला जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें ये कैफिर लाइम लीव्स, लीमू के जो पत्ते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी, डिपेंड्स कितना आपको स्पाइसी करना है। हल्दी जाएगी और नमक एंड टमाटर। पानी नहीं डाल रही इसलिए कि ऑलरेडी मैंने कोकोनट मिल्क पाउडर का जो सैशे है उसमें मैंने पानी मिक्स करके डाल दिया था। थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ेंगे और फिर डालेंगे। अब ये मुझे देखना है ज़रूरी, ये देखें हो गए हमारे केक चूल्हे पे। स्कूअर डाल के चेक करिएगा, आह क्या बात है, रेडी रेडी रेडी, ठीक है। और अब इसमें हम इसको आँच बिल्कुल कम कर दीजिएगा, कभी कभार फट जाता है कोकोनट मिल्क। अगर आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, ताकि जो आपकी ग्रेवी है ये बहुत स्मूथ बने। थोड़ा सा पानी जाएगा और इसमें, सो हम इसमें रख देते हैं पानी। ठीक है, एक उबाल आ जाएगा फिर इसको बंद कर देंगे और मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूंगी। मुझे स्मूथ कड़ीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ लोगों को मुंह में प्याज व्याज आए, टमाटर नज़र आए, वो अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए स्मूथ कड़ी ब्लेंडर में या इमर्शन स्टिक हैंड ब्लेंडर कुछ भी। अच्छा जी, एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? क्या हाल है जरना, ठीक है? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? इतनी अच्छी डिशेस बनाती हैं, बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं, और ऐसे क्विक 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 काम करती हैं ना, मजा ही आ जाता है वैसे। बहुत सारे दूसरे काम होते हैं ना, तो क्विक क्विक ही काम करना चाहिए, लेकिन इसका मजा आता है ना, वो देख के भी बड़ा मजा आता है कि इतनी यू आर वेरी एक्टिव माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज आपके बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाल हाँ। लो जी तारीफ तो करनी चाहिए ना जो। अच्छा बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ठीक है, आज हम ये जो केक बना रही है ना, ये जरा हमारे लिए डिफरेंट है कि इस तरह जो है ना स्टीम में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में ओवन नहीं होता है, उनकी फरमाइश पे मैं चूल्हे पे बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है ना। ये बन गया कितना मजेदार सा, आधे घंटे में देखें आप, ठीक है, ट्राई करिएगा जरूर। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, जब आप उसको उसमें से पैन में से आउट करेंगे ना फिर देखेंगे कि कैसे। ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, रैमकिन में भी सर्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये तो इस टेबल पे भी आप ले अच्छा, जा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई सॉस डालना है सॉस डाल दीजिए, प्लेन ऐसे ही टी टाइम के लिए सर्व करना है ऐसे ही प्लेन करिए, कोई फ्रॉस्टिंग करना है, बहुत सारे फ्रॉस्टिंग्स बनाना सिखा चुकी हूँ, कुछ भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अब हम क्या करते हैं, हम एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं, और ये जो है हमारी कड़ी उसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। उसके लिए मैंने क्या किया था, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल गरम किया था, थोड़ा सा राई दाना डाला था, अदरक और लहसुन हरी मिर्चें इसमें गई थी, प्याज गया था, कैफिर लाइम लीव्स गए थे, हल्दी और कोकोनट मिल्क का एक सैशे जिसमें पानी घोल दिया था, नमक और टमाटर, दैट्स इट, रेडी। चावल रेडी, कड़ी रेडी, पनीर रेडी, केक रेडी, और जारनक रेडी है ब्रेक के लिए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। Thank you.
बीट रूट राइस अच्छा चुकंदर उबले दो अदद छोटे तेल दो खाने के चमचे राई एक चाय का चमचा चॉप्ड लहसुन एक चावा चॉप्ड प्याज एक अदद केफर लाइम लीव्स पाँच अदद उबले चावल 500 ग्राम नमक एक चाय का चमचा नींबू का रस दो खाने के चमचे चॉप्ड हरा धनिया मुट्ठी भर टर्मेरिक मूली बनाने के लिए तेल दो खाने के चमचे राई एक चाय का चमचा चॉप्ड लहसुन एक चाय का चमचा चॉप्ड अदरक एक चाय का चमचा चॉप्ड हरी मिर्चें दो अदद चॉप्ड प्याज दो खाने के चमचे केफर लाइम लीव्स 6 अदद पिसी हल्दी एक चौथाई चाय का चमचा चॉप टमाटर दो खाने के चमचे कोकोनट मिल्क 200 मिलीलीटर नमक एक चाय का चमचा तरकीब तेल गर्म करके राई फ्राई कर लें फिर इसमें चॉप लहसुन चॉप प्याज और केफर लाइम लीव्स डाल के सौते करें उसके बाद उबले और क्यूब्स में कटे चुकंदर शामिल करके सौते कर लें अब इसमें उबले चावल और नमक डाल के मिक्स करें फिर इसमें नींबू का रस और हरा धनिया छिड़क दें टर्मेरिक मूली बनाने के लिए तेल गर्म करके राई फ्राई कर लें फिर इसमें चॉप लहसुन चॉप अदरक और हरी मिर्च डाल के एक मिनट सौते करें उसके बाद केफर लाइम लीव्स और चॉप्ड प्याज शामिल करके सौते कर लें अब इसमें पिसी हल्दी चॉप टमाटर और कोकोनट मिल्क डालकर इतना पकाएं कि सॉस में उबाल आ जाए फिर इसमें नमक शामिल करके मिक्स कर लें उसके बाद सर्विंग प्लेट में पहले दरमियान में बीट रूट राइस रखें अब इस पर टर्मेरिक मूली सॉस डालकर ऊपर ग्रिल पनीर रख दें आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व कर दें ग्रिल्ड पनीर अज्जा पनीर रेक्टेंगल में कटा 250 ग्राम तेल दो खाने के चमचे नींबू का रस एक खाने का चमचा पिसी हल्दी एक चौथाई चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा नमक एक चौथाई चाय का चमचा तरकीब एक बोल में तेल नींबू का रस पिसी हल्दी पिसी लाल मिर्च और नमक डाल के मिक्स कर लें फिर इस मिक्सचर को पनीर पर लगाकर 10 मिनट मैरिनेट करें उसके बाद पैन में एक खाने का चमचा तेल गर्म करके पनीर ग्रिल कर लें स्टीम्ड केक अज्जा अंडे 5 अदद पिसी चीनी 140 ग्राम ब्राउन शुगर 140 ग्राम नमक एक चौथाई चाय का चमचा वनीला एसेंस एक चाय का चमचा बेकिंग सोडा एक चौथाई चाय का चमचा एवापोरेटेड मिल्क 120 ग्राम मैदा 260 ग्राम बेकिंग पाउडर एक खाने का चमचा तेल 80 ग्राम तरकीब पहले स्टीमर में पानी को तेज़ आंच पर उबाल लें फिर एक बोल में अंडे पिसी चीनी ब्राउन शुगर और नमक डालकर फेंटें उसके बाद वनीला एसेंस बेकिंग सोडा और एवेपोरेटेड मिल्क शामिल करके मिक्स कर लें अब मैदा और बेकिंग पाउडर छानकर गीले मिक्सचर में डालें फिर इसमें तेल शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें उसके बाद इस बैटर को ग्रीस किए हुए केक पैन में डालकर खुश कपड़े से ढकें और पैन को स्टीमर में रख दें अब इसे ढककर 30 से 35 मिनट तक स्टीम कर लें आखिर में निकाल के सर्व करें जी वेलकम बैक देखें यहाँ हमने दो तरीकों से रख दिया है कड़ी बीच में वो चावल जो थे बोल में पनीर एंड दिस द केक्स आर आउट अब ये जो है यहाँ जो हमने पनीर के वेजेस बना दिए थे जैसे वेजेस लग रहे हैं उनको भी क्यों वेस्ट करें और इस तरह सजा दीजिए डिनर प्लेटर पे ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेरियन खाना बहुत बोरिंग लगना चाहिए ठीक है और क्या करें बताएं ज़रा बताएं क्या करें ये पनीर को उठाते हैं कौन से वाला पार्ट सही लग रहा है ये वाला सो इसको हम बीच में रख देते हैं ऐसे ठीक है एंड और क्या चाहिए ठीक है एंड दिस एंड वी आर डन सो ग्रिल पनीर चुकंदर के चावल टर्मरिक मोयली जो कड़ी है उसका नाम ये है और इसके बाद हमने स्टीम्ड केक जो बनाए थे वो भी रेडी हैं रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा हमें फीडबैक दीजिएगा यही केक को मैंने मुझे यह भी सवाल पूछा गया कि क्या इस केक को हम बेक कर सकते हैं ये देखें हम ये केक बेक भी कर रहे हैं जो बैटर बच गया था ठीक है सो ये तो मैंने दिखाया है आप लोगों को बिकॉज आप लोगों की इतनी फरमाइश होती है कि भी चूल्हे पे केक बनाना सिखाएं अवन नहीं है फलां ढिमका तो ये आप लोगों के लिए मैंने किया है ओके एंड नाउ भुना लोबिया कीमा लज्जत में 5 बजे लाइव बनेगा ज़ाफरान चावल और पर्शियन कबाब कल मैं थाई फ्लेवर का थाई स्टाइल का खाउसोई बनाना सिखाऊंगी इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम जो बर्मीज या मेमनी खाउसे आप बनाते हैं और इजी कप केक्स बनाएंगे ठीक है देखिएगा 3:30 से 4:30 हमारा शो लाइव सो इसको अगर आप निकालना चाहें निकालिए ऐसे रखना चाहें ऐसे सर्व करिए इसको छोटे रैमेकिंस में करना है छोटे में करिए इस साइज़ के रैमेकिंस को आधा घंटा लगा था ठीक है चूल्हे पे भी बन सकता है बस ये याद रखना है कि स्टीमर में नीचे पानी ख़त्म नहीं हो जाए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा पनीर जो है वो मैंने ग्रिल किया था मसाला लगा के पहले मैंने फ्राइंग पैन में सॉटे कर दिया था बहुत हिलाइएगा जुलाइएगा नहीं टूट जाएगा और जो मैंने
साइड्स काटे थे पनीर के, वो भी मैंने कर दिए, तो ये भी डेकोरेशन में काम आ गए। और फिर मैंने ग्रिल पैन पे इसको रख दिया था ताकि अच्छे से इस तरह के ग्रिल मार्क्स आएँ, तो बेहतरीन लगता है, ठीक है, लेकिन बहुत जला नहीं दीजिएगा। सो इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, सर्व करिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, 5 लाख मेंबर्स जो हो गए वो वाला लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, थैंक्स टू माई टीम फ़ौरन चीज़ें अपलोड हो जाती हैं। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।